आपका अपने चैनल जॉब की न्यूज़ में। दोस्तों, कल से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में सब जगह एक ही इमेज वायरल हो रही है। ये फोटो आई है, इन न्यूज़पेपर कटिंग है कोई, इसमें लिखा गया सुधार निवातों अगले साल होंगी सेना भर्ती। तो बताया गया है कि सेना की भर्तियां अगले साल ही होंगी, क्या सच है इसका? मैं आपको बताता हूँ पूरे बात, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन के चलते सेना भर्ती रोक दी गई है, जिन्हें अब फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं देश में सेना भर्ती शुरू होने के लेकर एक ऐसी खबर आई है कि अगस्त व सितंबर महीने में होने वाली सभी भर्तियां विशेष इंतजाम के तहत करवाई जा सकती हैं। देखो, ये बात भी पढ़ लो दोस्तों, स्पेशल लिख रखी है। मैं आपको थोड़ा हेडलाइन डाल के दिखा देता हूँ। जो अगस्त और सितंबर के महीने में जो भर्तियाँ होंगी वो कुछ विशेष इंतजाम के तहत करवाई जाएंगी दोस्तों, ठीक है। और यदि कोरोना के संक्रमण इसी तरह देश में तेजी से फैलता रहा तो सेना भर्ती अगले साल कराए जाने का विचार किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर और सबसे पहले अगले साल इसलिए होंगे, अगर आपका अगस्त लास्ट, मैं बता रहा हूँ अगस्त लास्ट तक आपकी कंट्रोल हो गई तो भर्तियाँ आपकी होंगी 100%, जो जो मैंने आपको बताई है डेट उन्हीं पर होगी 100%। अगर कोरोना की कुछ भी नहीं कंट्रोल हुआ तो भर्तियाँ आपकी अगले साल हो सकती हैं, वरना अगस्त या सितंबर में आप वेट कर लो। अगस्त सितंबर में अगर कंट्रोल हो गया तो आपकी भर्तियाँ चलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। अब ये मैं एक तो मेन बात तो ये है, इसके ऊपर कोई डेट नहीं है दोस्तों, ये कौन से मंथ का ये नहीं पता हमें, ठीक है दोस्तों। कोर्स भी किसी भी डेट का हो सकता है। और अगली इसके ऊपर ये ओपन भर्ती का दोस्तों, क्योंकि रिलेशन भर्ती न्यूज़पेपर में कोई कटिंग नहीं आती है, ठीक है, आपको पता ही होगा। ये ओपन भर्ती के लिए, और ओपन रिलेशन और ओपन में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो जब ये समझ लेना, आप जिस भी जगह ओपन की हो गई ना, उसी टाइम रिलेशन की शुरू हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए अपडेट थी छोटी सी, और ऐसे ही वायरल ना करें, भर्तियाँ आपकी होनी तय हैं, वैकेंसियाँ बिल्कुल आई पड़ी हैं आपकी, बस इंतज़ार है तो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हो जाए कोरोना वगैरह का। और बाकी एक वीडियो मैं आपके लिए एज के ऊपर बनाऊंगा, जल्दी से कमेंट करो आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर से ज़रूर देना चाहता हूँ। इसकी इन्फॉर्मेशन